जी मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमर सुद्दू में, जहाँ पे कैंडल लाइट क्रिस्टियन फेलोशिप चर्च का जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी जगह है। और यहाँ पे थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक इफ्तिताह किया गया, खास करके इस मकसद के लिए कि यहाँ पे एक स्कूल, एक कम्युनिटी सेंटर और चर्च की बिल्डिंग जो है वो तमीर होने वाली थी। ले और यहाँ पे हमने थोड़ा अरसा पहले नेशनल न्यूज नामक की स्क्रीन पर आपको ये भी दिखाया था कि यहाँ पे जो पूरा जो इलाका है, पूरा जो मोहल्ला है, उसके जो मोतबर शख्सियात हैं, उन सबों ने मिलकर कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप की जो मैनेजमेंट है, उनके सुपुर्द जो है इस जगह की सारी जो जिम्मेदारी है उनको सौंपी थी। लेकिन आज हमने देखा कि यहाँ पे कुछ जो शरपसंद लोग थे, उन्होंने कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप की जो फ्लैग्स थी, यहाँ पे आवेदन थी, उसको जो है उन्होंने उतारा, उसको फाड़ दिया। और जैसे ही हमें इस बात की खबर मिली तो हम यहाँ पे आए हैं सारे मौके की जो दास्तान है पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहीं के एक रिहायशी हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि अंकल यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो फ्लैक्स है वो उतारी गई। ये फ्लैक्स को उतार कर इन लोगों ने, गलत आदमी ने, ये लोग जो युवा खेलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या पाउडर पीते हैं, चर्स वगैरह पीते हैं, मोहल्ले में सारा गलत मचाया हुआ है। इसलिए हमने ये इसको स्कूल बनाने का इनको चाबी हर एक इन लोगों को हवाले की है कि ये स्कूल बने और हमारे बच्चियां बच्चे तरक्की करें। फिर ये लोगों की बहुत गलत साज है, वे शराब पी के सारी रात चांगरे मारते हैं और यहाँ पर गलत कार्य करते हैं यहाँ पर। जी नाजरीन, अभी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात का दर्द रखते हैं कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए यहाँ पे जो स्कूल है वो बनाया जाए, यहाँ पे उनके लिए चर्च बनाया जाए, बाइबल कॉलेज बनाया जाए, ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल है, आने वाले जो हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, वो यहाँ से खुदा के कलाम की जो तलीम को हासिल कर सके। लेकिन क्या इस तरह की हरकत करना हमें ज़िबा देता है? क्या इस तरह के काम करना हमारी कौम को, हमारे लोगों को, कि हम अपनी ही जो नस्ल है, हमारे जो आने वाले जो नौजवान लोग हैं, हम उनकी राह में जो हर्डल्स हैं वो हाइल कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप मिनिस्ट्री का जो चर्च है वो यहाँ पे बने, यहाँ पे वो स्कूल बनाएं, तो आप ज़रूर इस बात की मजामत करें और इस बात को जो है वो ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पे जो इस तरह की वारदात है वो कभी दोबारा ना हो, ताकि हमारे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए हर तरह से यहाँ पे उनके लिए स्कूल और कॉलेज बनाया जा सके। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप के चेयरमैन जनाब जनाब तारिक साहब। तो सर, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जब आपको इस वाकये की तफसील जो है वो पहुंची और आपने इस बात को महसूस किया कि हमें वहां पे फौरन जाना चाहिए, तो आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे कि जो कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप है वो इस इलाके के लिए और यहाँ के नौजवानों के लिए क्या करने का सोचती है? सबसे पहले तो मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम व्यूअर्स की और आपकी खिदमत में सलाम पहुंचे, और मैं आपका इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं जो इस जगह पर आए हमारी हेल्प के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए खड़े हुए। सो आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग और बोर्ड आपको वाजिया दिखाई दे रहा होगा, नजर आ रहा होगा, जिसपे आज से चंद माह पहले, कुछ माह पहले हम देख सकते थे कि पूरा फ्लैक्स और प्रोजेक्ट मेंशन थे कि कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप इस इलाका में, कैंची अमर सद्दू के इलाका में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एजुकेशन सेंटर, स्कूल, बाइबल कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए अमेजा थे और बड़ा दुख दर्द रखते थे अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन कुछ इंतशार पसंद लोगों ने, कुछ ऐसे नौजवानों ने जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर लोग पढ़ सके, जहाँ यहाँ पर लोगों के बच्चे पॉलिश हो सके, एजुकेशन हासिल कर सके, उन्होंने उन लिखी गई आयत को और कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप के लोगों को फाड़ के नीचे फेंका और उसकी बेहुर्मती की है, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम जो अपनी कौम के लिए दुख और दर्द रखते हैं इनकी इनकी बढ़ोतरी के लिए, और यही लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। जी जनाब साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं क्योंकि यहाँ पे सारे जो प्रोजेक्ट थे कैंडल लाइट फेलोशिप के वो यहाँ पे मेंशन थे, तो आप सारे यानी कि ये जो लोग हैं इनके लिए एक पैशन, एक दर्द रखते हैं, और आपने इस प्रोजेक्ट को लोगों के साथ शेयर भी किया था, हमने देखा, और नेशनल न्यूज नामा यहाँ पे मौजूद थी एक डेढ़ माह पहले जब यहाँ पे इफ्तिताह किया गया।
तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की हरकत करने वाले जो लोग हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज से गालबन एक डेढ़ माह पहले इस इलाके के तमाम बुजुर्गों ने, पादरी साहबान ने मिलकर हमें इसकी की सौंपी ताकि यहाँ पर एक स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे खिलाफ थे, जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा मुमकिन हो सके, तो उन्होंने ये हरकत की है और हम चाहते हैं कि उनको हाईलाइट किया जाए। और हम तमाम इलाके के बुजुर्गों से, मौजूद लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि उनको सामने लेके आया जाए ताकि हम उनसे बातचीत कर सके, उनके मसलों को हल कर सके और उनको बता सके कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि हम उन्हीं की बेहतरी चाह रहे हैं, उनकी आने वाली नस्ल की बेहतरी चाह रहे हैं। जो शराब पी रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उसका बच्चा आने वाले सालों में भी शराब पिए। हम चाहते हैं कि वो जो शराबी है उसका बच्चा भी स्कूल में जाए और एजुकेशन को हासिल करे और अपनी आने वाली नस्ल को तब्दील करे। सो हम ये विजन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कौम में तब्दीली आए, लेकिन जो लोग नहीं चाहते उन्होंने ये हरकत की और साबित किया है कि वो हमारे खिलाफ है और क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है। जी नाज़रीन, अभी आप कैंडलाइट फेलोशिप के जो चेयरमैन हैं उनकी बातचीत भी सुन रहे थे, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरा कैमरामैन आगे आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक डेढ़ माह पहले जो है हकीकत में हम सब यहाँ पे मौजूद थे और नेशनल न्यूज रामा ने इस बात को फौरी तौर पर हाईलाइट किया कि अमर सुधु जैसे पसमानदा इलाका में जो कैंडलाइट क्रिश्चियन फेलोशिप है उसने एक जबरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करने का जो है उन्होंने अहद किया और इसके जो चेयरमैन हैं जरनाब तारिक साहब वो भी यहाँ पे मौजूद थे और बकायदा तौर पे यहाँ के इलाके के जो बुजुर्गान हैं उन्होंने बकायदा तौर पर उनको इस प्रोजेक्ट की कुंजी जो है अपने हाथों से सौंपी थी। तो हम आपसे ये इल्तमास करते हैं और हमारे नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कम अज कम जहां पे आपकी कम्युनिटी का, आपके लोगों की इस्लाह का काम हो रहा होता है, तो बराए मेहरबानी जो हमारे जो लोग हैं जो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं वो हमारे नौजवानों के लिए जो है वो मशले राह होने की बजाय उनकी राह में जो है वो रुकावटें हाइल कर रहे हैं। और नेशनल न्यूज नामक की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करे जो कि हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ लेके जा रही है, ताकि उन लोगों को जो है एक लेसन दिया जाए, उन लोगों को ये सिखाया जाए कि हमें किस तरह से अपने लोगों का साथ देना है, अपने लोगों का जो है वो बाजू बनना है। जरनाब तारिक जैसे लोग और इसी तरह से जो इलाके के जो बाकी जो रिस्पेक्टिव जो लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बने। तो आप सबसे ये हम फिर इल्तमास कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप इस पैगाम को जहां तक हो सके आप जरूर फैलाएं ताकि अमर सुधु जैसे इलाके में एक बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, ओल्ड एज जो सेंटर है वो बने, ताकि हमारे बच्चे आइंदा आने वाले सालों में एक ऐसे नौजवान की सूरत में सामने जाएं जो अपने मुल्क का और बल्कि अपनी कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा ताकि हम इसी तरह से अपने जो मसाइल हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल न्यूज नामा की स्क्रीन पर हमेशा देखते रहें ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि हमारे जो लोग काम करने वाले हैं वो किसी तौर से जो है वो डरने वाले नहीं हैं, किसी तौर से रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो किसी भी तरह की मुश्किल का मुकाबला करते हुए अपने लोगों की फलाह के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए और अपने लोगों को आगे मैदान में ले जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।